जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और जो एसएससी जीडी की आंसर की देखने के बाद में आप अपने फिजिकल की ओर लग गए होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें हमको कितने क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमारी शिफ्ट हार्ड होगी या फिर कैसी होगी। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे कि अलग अलग राज्य की फिजिकल के लिए अलग अलग कट ऑफ किस तरीके से रहने वाली है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कट ऑफ निकाली है और डरने की कोई बात नहीं, बहुत लो कट ऑफ जाएगी, जो कि हमने 2021 की कट ऑफ को देख के बनाया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। आज 24 तारीख है दोस्तों, एक दिन और है आपको ऑब्जेक्शन डालने का, आप डाल दीजिए। ठीक है, प्रति क्वेश्चन 100 रुपए आपके लगेंगे। आपके क्वेश्चन अगर सही है, नेट पे भी सही है, आपने किया भी सही है और किताब में भी सही है, तो आप उसको ऑब्जेक्शन डाल दीजिए। ठीक है, हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए। ठीक, तो आप इसके बारे में, फिर उसके बाद में चलते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस तरीके से मिलेगा। सबको दोस्तों अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लगती होगी। यदि मैं पेपर देने जाता तो मुझे भी अपनी शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड लगती। क्यों? क्योंकि मैं दे रहा हूँ, मुझे लगता कि मेरा सबसे ज्यादा हार्ड पूछ लिया, मुझे सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, तो होता कैसे है कि जो बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट लो थी। यदि बोर्ड ने लास्ट की शिफ्ट को हार्ड मान लिया तो लास्ट की शिफ्ट के हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन करेगा। ठीक है, यदि उसने बीच की शिफ्ट को हार्ड मान लिया तो वो बीच की शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेगा। यदि वो पहले शुरुआत की शिफ्टों को उठा के हार्ड मान लेता है तो वो उसमें नॉर्मलाइजेशन करेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इतना बता सकता हूँ, ये बात कोई नहीं बता सकता कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट में कितने बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा बता भी रहा है तो सरासर आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इतना बता सकता हूँ कि यदि उसने कोई भी शिफ्ट हार्ड मानी, या फिर कोई भी शिफ्ट मॉडरेट मानी, या फिर कोई भी शिफ्ट लो मानी, ठीक है, तो किस हिसाब से कितने कितने क्वेश्चन बढ़ाने का अंदाज हो सकता है। ठीक है, यदि कोई भी शिफ्ट हार्ड मानी तो उस शिफ्ट के 3 से 4 क्वेश्चन, नंबर नहीं, 4 क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं। क्योंकि तो पिछली बार जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसमें लगभग 10 से 11 तक क्वेश्चन बढ़ गए थे जो कि हार्ड थी उसमें। ठीक है, हार्ड मेरे या आपके अनुसार नहीं होगी, बोर्ड के अनुसार होगी। यदि बोर्ड मानता है कि कोई भी शिफ्ट मॉडरेट है, ना तो वो हार्ड है ना ही नॉर्मल है, ठीक है, मॉडरेट में, तो कितना बढ़ेगा आपका, 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी बढ़ सकता है। ठीक है, यदि लो है तो लो वाले को सबसे ज्यादा खतरा है कि इसमें 1 क्वेश्चन बढ़ भी सकता है और आपको डाउन भी हो सकता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपके बढ़ भी सकते हैं और डाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन के जो है वो नंबर मिलते हैं, वो भी बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जॉब के जो वैकेंसी होती है उसमें बहुत ज्यादा उपद्रव होता है कि भाई हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है, धांधलेबाजी चल रही है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। नॉर्मलाइजेशन का सबसे चक्कर चलता है। ठीक है, क्योंकि प्रक्रियाएं जो होती हैं, शिफ्ट होती हैं, वो बहुत बहुत लंबी होती हैं, कई कई महीने, एक आध महीने तक, सवा सवा महीने तक पेपर चलते हैं, तो उस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो अप डाउन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा हो जाता है नंबरों के बीच, क्वेश्चंस के बीच में, नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो इसीलिए उसमें लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, प्रक्रिया उसकी ये रहती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी फिजिकल के लिए। ठीक है, बहुत डिस्कस करने के बाद में हमने कट ऑफ निकाली है, और जो पुरानी कट ऑफ की हमने वीडियो डाली थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो कि हमने एसएसएफ की कट ऑफ को निकाल दिया था,
ठीक है, और हमने जो ऑल इंडिया अलग अलग दूसरे जो पोस्ट हैं, मतलब आने तो सबको है, चाहे ओ बी एस एफ हो, सी आई एस एफ हो, चाहे आई टी पी हो, सी आर पी एफ हो, ठीक है, उनमें भी जाते हैं। एस एस एफ को छोड़ के बाकी हमने यहाँ पर अदर पोस्ट के हिसाब से उसको कवर किया है। उस जो पुरानी वीडियो थी उसमें केवल एस एस एफ को कवर किया था, जो कि हम बताना भूल गए थे, ठीक है। चलिए तो इस बारे में हम बात करेंगे। पिछली वैकेंसी के अगर बारे में बात करूं कि पिछली वैकेंसी कितनी थी, तो पिछली वैकेंसी थी 25,271, ठीक है, 25,271 वैकेंसी थी, ठीक। उसमें कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करने वाले थे वो इस वैकेंसी के हिसाब में, इस वैकेंसी के ज्यादा थे, ठीक है, जो कि अभी वैकेंसी कितनी है, 45,000 प्लस, ठीक। ये 45,000 प्लस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने वालों की संख्या थी कम इसकी अपेक्षा, ठीक है, इसमें थी ज्यादा, ठीक। अब फॉर्म फिल हो जाता है उससे कोई लेना देना नहीं, कितने ने फॉर्म भरा उससे भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसके बाद में 12 गुना पीएचटी के लिए बुलाए गए थे 2021 में, 2021 में 12 गुना बुलाए थे, ठीक है, लेकिन 2022 में, 2022 में 8 गुना बुला रहे हैं, ठीक है, 8 गुना बुला रहे हैं, यहां पर 12 गुना बुलाए गए थे, फिर भी यहां पर 3,03,000 प्लस बच्चे बुलाए गए थे, यहां पर 8 गुना बुला रहे हैं, फिर भी जो 2021 में 3-12 गुना से ज्यादा होते हैं, कितने होते हैं, 3,71,000 प्लस, ठीक है, यहां के मुकाबले यहां पर 68,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन्होंने एक काम और किया है कि यहां पर तो थे 100 क्वेश्चन प्रति 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 मार्क्स थे और 100 ही क्वेश्चन थे, इसका मतलब क्या है, अगर परसेंटेज निकाली जाए तो परसेंटेज भी 100 ही थी। यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर क्वेश्चन तो कर दिए 80 और प्रति क्वेश्चन कर दिया 2 नंबर का, यानी कि 160 मार्क्स कर दिए, ठीक है, 160 मार्क्स होने के बाद में जो नंबर ऑफ मार्क्स थे उनकी वैल्यू गई घट, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उनकी वैल्यू गई बढ़, यानी कि 2021 की अपेक्षा, ठीक है। अब हम परसेंटेज में बात करते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ निकाली है वो हमने निकाली है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से क्वेश्चनों में हमने डिवाइड करके निकाली है, ठीक, क्योंकि 2021 में चाहे क्वेश्चन मान लो, चाहे मार्क्स मान लो, चाहे परसेंटेज मान लो, दोनों बराबर थी, लेकिन 2022 में जो परसेंटेज है वो क्वेश्चंस के हिसाब से हमने बदल दी है, ठीक है। यदि मैं मान के चलूं, अगर यहाँ पर 60 क्वेश्चन मान लो, या फिर 60 नंबर मान लो, या फिर 60% मान लो, 60 का 60 ही रहना है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं 60% के निकालूं क्वेश्चंस के हिसाब से, तो यहां पर बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यही, इसी डिफरेंस को देखते हुए, लेकिन यहां पर जो वैकेंसी है वो 25,000 से लगभग डबल है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, लगभग डबल है, और डबल होने के बाद में यहां पर 68,000 भी बच्चे यहां क्वालिफाई ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो इस हिसाब से, और यहां देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था यहां पर पेपर, ठीक है। तो यहां पर अगर तुलना करूं तो दोनों ही लगभग बराबर बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वैकेंसी ज्यादा है तो यहां पर क्या है, जो इजी कर दिया है, ठीक है। और इजी करने के बाद में यहां पर वैकेंसी कम थी तो यहां पर क्वेश्चन हार्ड कर दिया था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आते हैं फाइनली बात पे, जो कि हमारी कट ऑफ है फिजिकल के लिए
कट ऑफ मैंने तीन ग्रुप में बांटा है, जो कि सबसे टॉप लेवल पे जिसकी लगती है उसको ग्रुप ए में रखा है, उसके बाद में ग्रुप बी में और ग्रुप सी में, ठीक है। ग्रुप ए में कौन कौन से, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश, इसकी लगभग लगभग सेम रहती है, एक आध क्वेश्चन का अंतर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक है। किसी में एक क्वेश्चन ज्यादा होगा तो किसी में एक दो क्वेश्चन कम होगा, ठीक है। तो मैंने एवरेज इनका निकाला है। अगर जो भी जनरल एरिया का मेल कैंडिडेट है उसकी क्षेत्र भी जनरल है और उसका जो कैटेगरी भी जनरल है, तो उसके अगर 50 से लेकर 52 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे, 50 से लेकर 52 क्वेश्चन या 50 से लेकर 52 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल के लिए अपनी तैयारी को बकायदा बना के रखे, ठीक है। उसके बाद में EWS मेल कैंडिडेट 48 से 50 क्वेश्चन जिसके ठीक हो रहे हैं वो फिजिकल के लिए तैयार रखे, ठीक है। OBC 49 से 51 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो अपनी तैयारी में रखे, ठीक है। SC 44 से लेकर 46 जिसके सही हो रहे हैं वो तैयारी करता रहे। ST 42 से 44 जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तैयारी करता रहे, ठीक है। अब ऐसे ही हम फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल के दोस्तों 48 ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने जो 2021 की कट ऑफ देखी थी उसमें भी ज्यादा फर्क फीमेल की कट ऑफ में नहीं था। 48 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन के बीच में अगर जिस महिला के हैं तो वो फिजिकल के लिए तैयारी करे, ठीक है। EWS 47 से 48 और OBC 47 से 48 दोनों का डिफरेंस रहेगा, चाहे वो एक ये इसमें कम हो जाए चाहे इसमें कम हो जाए, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। SC 43 से 45, ST 42 से 44 क्वेश्चन जिस महिला के ठीक हो रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी में अपने आप को रख ले, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, ठीक है, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, और यही इसी प्रकार से यहाँ पर बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, ठीक है। मैं अगर मेल की बात करूँ बॉर्डर एरिया वालों की, तो राजस्थान में नहीं है बॉर्डर एरिया, हरियाणा में नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है मध्य प्रदेश में, यहाँ यूपी में है, ठीक है, यूपी में है, और नक्सल एरिया राजस्थान में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, यूपी और यहाँ मध्य प्रदेश दोनों में मिलेगा। तो यदि बॉर्डर की बात करूँ तो पिछली कट ऑफ जो है वो लगभग आपके करीब 12 13 14 15 16 तक जो परसेंटेज थी वो डाउन हुई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने 6 से 7 क्वेश्चन अगर डाउन है, यहाँ जैसे जनरल का कोई है, जनरल अपने आप को 6 से 7 क्वेश्चन डाउन कर ले, EWS 6 से 7 क्वेश्चन डाउन कर ले, OBC 6 से 7 क्वेश्चन डाउन कर ले, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी है नक्सल एरिया में, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा, वो बॉर्डर और नक्सल एरिया में फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही महिलाओं वाले में, महिलाओं वाले में भी यही आलम है, 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, वो अपने आप को यहां से डाउन कर लें, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहां पर बात करते हैं ग्रुप बी की, जिसमें है बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। यहां पर मैंने इनको ग्रुप ए बी में इसलिए शामिल किया कि ग्रुप ए से डाउन रहती है इनकी, ठीक है। तो इसमें जिस मेल कैंडिडेट की अगर बात करें हम, तो जनरल कैटेगरी है और जनरल एरिया है, ये पूरी जनरल एरिया है, वो भी जनरल एरिया है, ठीक है, लेकिन इनकी खुद की कैटेगरी अलग अलग है। जिसकी कैटेगरी जनरल है वो 48 से 50 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो अपने आप को फिजिकल की तैयारी में रखे, ठीक है। EWS 46 से 48, ठीक है, OBC 47 से 48, SC 44 से 46 और ST 46 से 48, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर ST की ज्यादा क्यों ले ली, ठीक है, बिहार है, यूके है, झारखंड है और HP है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो ST है वहाँ की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर OBC के लगभग बराबर फाइट करती है, ठीक है, तो यहाँ पर इतनी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की बात कर लें, ठीक है,
यूके में नक्सल एरिया नहीं है, दिल्ली या चंडीगढ़ में नहीं है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नक्सल एरिया नहीं है, ठीक है, और बॉर्डर एरिया यूके में मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से वही है कि यहाँ पर नक्सल एरिया फाइट करेगी, सेम रहेगी बिल्कुल, एक आध क्वेश्चन का अंतर रहेगा, एक या फिर दो क्वेश्चन डाउन रहेगी, ठीक है। बॉर्डर एरिया में सॉरी बिहार में भी वही हिसाब है, ठीक है, और नक्सल एरिया इनमें तो है नहीं। बॉर्डर एरिया की बात करें यूकी में तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, वहां पर भी एक या दो क्वेश्चन डाउन होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो जिस कैंडिडेट्स के 41 से 43 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को फिजिकल के लिए तैयार रखे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 39 से 41 क्वेश्चन, ओबीसी की बात करें तो 40 से 42 क्वेश्चन, एससी की बात करें तो 33 से 36 क्वेश्चन, एसटी की बात करें तो 38 से 40 क्वेश्चन, क्योंकि एसटी महिलाओं में भी यहां से यहां पर फाइट हो रही है एसटी में, ठीक है, एसटी की संख्या ज्यादा है इसलिए मेरिट ज्यादा जाएगी। इसी तरीके से बॉर्डर और नक्सल, यहां पर भी 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क देखने को मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन का फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट फाइनल है उसको हम देख लेते हैं, उसमें लिखा है आसाम और महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल प्लस अदर, अदर ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं छत्तीसगढ़ को छोड़ के, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लगभग लगभग मैं यहीं पर बता दूं 50% प्लस है, ठीक है, ऑल कैटेगरी, लगभग लगभग ऑल कैटेगरी बराबर है, चाहे नक्सल हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, लगभग लगभग जिसके 50% नंबर है या फिर क्वेश्चन ठीक है, ठीक है, जैसे 50% कितना हो गया 40 प्लस है, तो वो छत्तीसगढ़ के लिए जो पीएसटी है फिजिकल के लिए तैयारी में रहे, ठीक है। बात कर लेते हैं ये जो ऊपर लिखे हैं उनमें से मेल की, जनरल है वो 36 से 38 क्वेश्चन ठीक होना चाहिए फिजिकल के लिए, ईडब्ल्यूएस है 21 से 23 यानी कि यहाँ पर 25% का आंकड़ा है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 25% का आंकड़ा है, तो 21 से लेकर 23 क्वेश्चन, ओबीसी 33 से लेकर 34, एससी 31 से लेकर 33 और एसटी 27 से लेकर 29, ठीक है। इसके बीच में यदि फंस रहा है कोई तो फिजिकल की तैयारी रखे। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट्स का मतलब है कि 33 से 35 जिस महिला के क्वेश्चन सही हैं तो फिजिकल की तैयारी रखे, ईडब्ल्यूएस 21 से लेकर 23, ओबीसी 31 से लेकर 33, एससी 27 से लेकर 29, एसटी 27 से लेकर 29, इन दोनों में फाइट है, ठीक है। यहाँ पर अगर बॉर्डर एरिया की बात कर लो, नक्सल एरिया की बात कर लो, ठीक है, तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ में बॉर्डर एरिया नहीं है, ठीक है, और लगभग लगभग नक्सल एरिया इनमें सभी में है गुजरात को छोड़ कर, ठीक है, लेकिन ओडिशा में क्या होगा, नक्सल एरिया की ज्यादा जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है नक्सल एरिया की ज्यादा जाएगी। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र हो गया, उनकी सबकी सेम रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन का फर्क देखने को मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी 3 से 4 क्वेश्चन बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया में भी 3 से 4 क्वेश्चन नक्सल एरिया में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने ऑल इंडिया की कैटेगरी वाइज और उसकी एरिया की कैटेगरी वाइज हमने जो कट ऑफ निकाली है वो पीएचटी के लिए निकाली है, ठीक है। जो पुरानी वीडियो थी उसमें क्या है, केवल एसएसएफ की निकाली थी, जो कि हमने बताना भूल गए थे, जो कि आपने सभी लोगों ने सभी कैटेगरी को मान लिया था और उस पर धड़ाधड़ कमेंट्स आ रहे थे कि सर इतनी हाई कैसे बता दिया आपने, ठीक है। तो बाद में हमें ज्ञात हुआ कि हमने जो एसएसएफ की थी उसको बताया था, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की मैंने बताई दी, ठीक है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ की लगभग 50% का आंकड़ा है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, हमारी जो चैनल है उस पर पुराना
कंप्लीट मेडिकल की 10 महीने पहले की मेडिकल की वीडियो डाल रखी है, आप उसको देख लेना, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ बेनिफिट मिलेगा। और आपका फिजिकल की जो टिप्स हैं, किस तरीके से फिजिकल में जाना है, किस तरीके से दौड़ना है, वो सब बताए गए हैं। बकायदा हम 5 किलोमीटर की एक फिजिकल की दौड़ लगवा के, जो लड़के हैं उनसे दौड़ लगवा के 5 किलोमीटर की कितने में रेस आ रही है लाइव, ठीक है, उसकी भी वीडियो हमने बनाई है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, किस तरीके से चेकअप होगा आपका मेडिकल में, वो टोटल कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट है बकायदा SSCGD मेडिकल करके, उसमें आप जाइए और कंप्लीट अपनी जानकारी को रखिए, ठीक है, क्योंकि भटकने से अच्छा है एक ही जगह आपको जानकारी सही मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।